तो दोस्तों अभी चल रहा है जून, जुलाई एंड अगस्त, तो ये मोस्टली कंपनीज का टाइम होता है अप्रेजल का। अप्रेजल यानी कि आपकी सैलरी हाइक का। तो उसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बिहेव पे आप डिस्कस करोगे, तो हो सकता है आपको एक आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिले, या हो सकता है आपको एक आउटस्टैंडिंग अप्रेजल मिले, या सैलरी में हाइक मिले। नॉर्मल से कुछ पॉइंट्स होते हैं एक जनरल डिस्कशन में जो हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोसेस होता है कि आपकी कंपनी के जो काम है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो आप, जो कि आरए आपका होता है, वो आपने कंप्लीट किया होता है पूरा, जो भी डिस्कशन के लिए वहाँ पे होता है, एंड वो चीज़ आपके मैनेजर के साथ डिस्कस होता है, एंड मे बी हो सकता है स्किप लेवल मैनेजर के साथ डिस्कस हो। तो वो क्या होता है कि देखो कंपनी क्या है, मैं पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनीज क्या है कि आपके निगेटिव पॉइंट्स निकालती हैं एंड आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हो, उन दोनों को मिला के आपका अप्रेजल होता है। तो बेसिकली कई बार होता है कि हमने कंपनी में बहुत अच्छा अपना परफॉर्म किया होता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्किप हो गए होते हैं या वो पॉइंट्स बच गए होते हैं। तो उस पॉइंट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना, तो सबसे बड़ी चीज़ देखो वहाँ पे किसी भी तरीके का आपके अंदर एंग्रीनेस नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं ये मेरा एक टास्क छूट गया, मेरे और भी 20 टास्क हैं वो आप काउंट नहीं कर रहे हो, एक छूट गया। तो वहाँ पे एंग्रीनेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉफ्टली उनके साथ डिस्कस करो और एक प्रोफेशनल वे में उनसे बात करो। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पार्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो क्या होता है कि पूरे साल हम लोग कंपनीज में काम करते हैं, एक अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं 90% लोग, सारे तो नहीं। तो कई लोग होते हैं कि नहीं यार सैलरी आ जाए उससे मतलब नहीं, जितना काम है उतना करेंगे, लेकिन जिनको ग्रोथ चाहिए होता है वो अच्छा वहाँ पे काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो होता क्या कि अब देखो 1 ईयर के जो टास्क होते हैं वो मोस्टली हम लोग भूल जाते हैं, मतलब आज आपने काम किया तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप भूल जाओगे। तो मेन मेन आप पॉइंट्स निकालो, उसको अपने एक्सेल में डालो या वर्ड में डालो, और कि वहाँ पे जो डिस्कस कर सको कि हमने ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के काम किए हैं। तो जो आपके मेन टास्क हैं वो वहाँ पे आप डालो, और वो डिस्कशन के टाइम पे वहाँ पे ओपन करके अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करो। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप डिस्कशन में होते हो तो आपको पॉइंट्स याद नहीं आएंगे इतने सारे, अगर आपने 20 काम किए तो आप 20 काम वहाँ पे नहीं गिना सकते। एंड जो थर्ड एक पार्ट होता है वो इसका होता है कि आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा कुछ अगर अलग किया हो कंपनी के लिए, या अपनी प्रोफाइल के लिए, या कंपनी के बेटर परफॉर्मेंस के लिए अगर आपने कुछ अच्छा किया हो, तो वो पॉइंट अपने क्यारे में आपको जरूर डालना और वो पॉइंट आपको जरूर डिस्कस करना है। तो ये 3 मेन पॉइंट और मेजर पॉइंट होते हैं एक क्यारे में डिस्कशन के लिए, जिसमें सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट होता है कि आपने क्या क्या टास्क किए हैं, एंड इसके बाद आपने आपका जो निगेटिव बोलते हैं आपके मैनेजर या कुछ बोलते हैं कि नहीं आपने ऐसा नहीं किया, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो कि हाँ वो मेरे से पेंडिंग रह गया, वो मेरे से छूट गया। वो तरीका कोई और हो सकता है, आप ये बता सकते हो किसी रीजन से वो पेंडिंग हो गया, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप ये मत बोलो नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हुआ, या मैं इसको कर नहीं पाया, या टाइम नहीं मिला, तो वो एक अलग चीज़ होती है, बट उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, बोलो कि हाँ ये पेंडिंग रह गया था, एक बेटर कन्वर्सेशन के लिए वहाँ पर। तो बस ये कुछ 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग अप्रेजल। एंड मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।